शिवाय, शिवाय अभी तक नहीं है। कोई कॉल भी नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं। लड़का कमरे में होंगे। शिवाय, 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 शिवाय यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब अभी तक लौटे ही नहीं है। शिवाय प्लीज प्लीज फोन उठाइए, प्लीज स्विच ऑफ। कहाँ है? सर ना, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे कल्याणी मिल के फोरमैन हर्षवर्धन त्रिवेदी के बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तुमने निकाली? जी सर, मुझे मिल के मैनेजर शुक्ला ने ये फाइल दी है। इस फाइल में सभी स्टाफ के रिकॉर्ड्स हैं। आई एम श्योर हर्षवर्धन त्रिवेदी के बारे में भी इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें तो सिर्फ उनके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फैमिली, वो सब। सर मुझे शुक्ला ने कहा था इसमें एड्रेस भी होगा। एड्रेस की तो 29 कृष्णा नगर, 29 कृष्णा नगर। सर इतने साल हो गए, मुझे नहीं लगता इस एड्रेस पे कोई रहता होगा। हाँ फिर भी कोई क्लू, कोई सुराग, कुछ तो मिलेगा खन्ना मुझे। घर तो यही है, इसकी हालत देखिए लग रहा है कि यहाँ कोई रहता नहीं है। त्रिवेदी, तेज ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, खा लो ना। मन नहीं कर रहा। पिंकी आंटी जी, आपकी शिवाय से कोई बात हुई है क्या? वो कल रात से गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, ठीक होंगे नहीं होंगे, मुझे चिंता हो रही है। चिंता मत कर अनिका, वो ठीक है, मेरी बात हुई है उससे, कहीं काम में अटका हुआ है, लेट आएगा। पर वो उनका फोन क्यों बंद आ रहा है? अब पूरा दिन फोन में लगा रहेगा तो बैटरीज तो चली जाएगी ना, और क्या पता उसने अपना फोन ही तोड़ दिया हो। कितने दिन हो गए फोन नहीं तोड़ा उसने। तू फिक्र मत कर, मैं कह रही हूँ ना, वो ठीक है, आ जाएगा। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि शिवाय अब तक आया कि नहीं। आप जानते तो हैं उसे, अब जब तक वो ये पता नहीं लगा लेता कि मिस्टर कपूर को किसने मारा है, चैन से नहीं बैठेगा। आई जस्ट होप कि दोबारा हमारे साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। शिवाय सच और झूठ में फर्क करना जानता है, और जब हमने कुछ नहीं किया तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि शिवाय हमारे खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथ है। बस अब पूरा सच सामने आ जाए, हमें भी पता चल जाए उस रात क्या हुआ था, और ये कल्याणी मिल्स का स्यापा खत्म।
किया, हर जगह कुछ कुछ लिख दिया। अच्छा, चुटकी को कब से लिखना आ गया? मुझे सब पता है, ये तुम्हारा ही काम है, तुझे ही शौक है सब चीजों के नाम लिखने का। दीदी झूठी, ने मुझे झूठी कहा? ठहर, कहाँ भाग रही है? रुक। अरे अरे बेटा ध्यान से, कहीं गिर ना जाना। इस सबसे तो बस यही पता चल रहा है कि इस घर में एक खुशहाल फैमिली रहती होगी। पता नहीं अब वो दोनों लड़कियां कहां होंगे। देखो पापा, चुटकी ने फिर से रायता फैला दिया। मीटिंग में तो जाओगी ना? तुम्हारे प्लान में इतना बड़ा रायता जो फैल गया। अनिका, बेटा तुम कहां से सीख के आती हो ये अजीब अजीब सी बातें? हर चीज का नाम रखना ये तो अनिका भी करती है। पहले यह रायता, ये तो अनिका का तकिया। देखो पापा, चुटकी ने फिर से रायता फैला दिया। अनिका की चुटकी ने। अनिका और शिवाय, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी इश्कबाजी पर देखना, जिस दिन कल्याणी मिल का सच बाहर आ गया ना, उस दिन ये इश्कबाजी नफरत बाजी में बदल जाएगी। कहीं हर्षवर्धन त्रिवेदी अनिका के पिता तो नहीं? सिर्फ एक इंसान कंफर्म कर सकता है इस बात को। जी आप प्लीज मुझे बताओ, जो मैं सोच रहा हूं वो सच है क्या? अनिका हर्षवर्धन त्रिवेदी की बेटी, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं जानता हूं इस बात के बारे में, तुम्हें पता है। ठीक है, जस्ट प्लीज प्लीज तुम जो सोच रहे हो वो सच है शिवाय, हर्षवर्धन त्रिवेदी ही अनिका के पापा है। वो कल्याणी मिल्स में फॉरमैन थे। इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला? जब हम अपना रिवेंज प्लान कर रहे थे तो हमने कल्याणी मिल्स के हादसे पे काफी रिसर्च की थी, और मॉम को तो पता ही था कि हर्षवर्धन त्रिवेदी कौन है, क्योंकि कल्याणी मिल्स में उनका आना जाना था। मैं ये बात जानती थी शिवाय, पर तुम्हें नहीं बताई क्योंकि मैं डर गई। मुझे लगा कि पता नहीं इस बात का आने का और तुम्हारे रिलेशनशिप पे क्या असर होगा, क्योंकि आज तक कल्याणी मिल्स का साया जिस रिलेशनशिप पर पड़ा है वो तो रिलेशनशिप सिर्फ बर्बाद हुआ है। आई एम सॉरी शिवाय, सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुमसे छुपाया। प्लीज तुमने मेरा डाउट क्लियर कर दिया। मैं हमेशा से जानना चाह रहा था कि अनिका की फैमिली, क्योंकि अनिका जानना चाहती थी कि अनिका की फैमिली कौन है। उसे मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी अनिका कितनी खुश होगी जब उसे पता चलेगा कि उसके पापा। नहीं नहीं, मैं अनिका को पूरा सच नहीं बता सकता। उसके पिता पे कितना बड़ा इल्जाम लगा था, क्या करूं मैं?